बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़करिया गोट फार्म और माशाल्लाह प्योर मक्खी चीनी ब्रीड। दोस्तों, जैसा कि आपको ये पट वीडियो में नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह A+ क्वालिटी का जानवर है। जैसा कि आप इसको क्वालिटी के हिसाब से 100+ नंबर दे सकते हैं। माशाल्लाह फेस ब्यूटी, हाइट, लेंथ, अभी इसकी एज बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह पॉइंट्स में पूरी की पूरी। दोस्तों, प्योर मक्खी चीनी ब्रीड पाकिस्तान के हर इलाके, हर शहर में कामयाब है। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्योर मक्खी चीनी ब्रीड से गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़करिया गोट फार्म प्योर मक्खी चीनी ब्रीड का फार्म है और ये फार्म बावल नगर में वाक़िया है, और इस फार्म के जो ऑनर हैं वह इमरान चौहान साहब और राव बाउद्दीन साहब हैं। माशाल्लाह, जैसा कि आप हमारी हर वीडियो में हर दिन नए जानवर देखते हैं, दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि आपको हर दिन नए जानवरों का, अच्छी क्वालिटी वाले जानवरों का प्योर ब्रीड का शौक करवाया जाए, ताकि इससे आपका शौक भी बढ़े और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। क्योंकि कुछ लोग जब मंडी से जानवर परचेज करके वो कहते हैं कि ये प्योर ब्रीड है, तो हरगिज़ नहीं, वो प्योर ब्रीड नहीं होती, बल्कि वो आपके साथ धोखा होता है। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी आजड़ी, किसी चरवाहे या किसी फार्म से प्योर मक्खी चीनी ब्रीड पेडिग्री रिकॉर्ड चेक करके जानवर परचेज करें, ना कि मंडी से। दोस्तों, मंडी के जानवर और फार्म के जानवर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, वो आपके सामने हमने साबित कर दिया है। ऐसा जानवर आपको मंडी से कभी भी नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको कहेगा कि ये प्योर मक्खी चीनी ब्रीड है, तो आप उस पर यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि प्योर मक्खी चीनी ब्रीड जो कि हम अपनी हर वीडियो में इसकी निशानियां बताते हैं, और आप हमारी हर वीडियो देख के आपको इतना अंदाज़ा हो सकता है कि प्योर ब्रीड और जो प्योर ब्रीड है और मंडी का जो जानवर है उसमें कितना डिफरेंस है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, ये जानवर नॉट फॉर सेल है, सिर्फ शौकीन दोस्तों के लिए, ताकि इस तरह का अच्छा, खूबसूरत और मेयारी शौक देख के आप लोगों का भी शौक बढ़े। माशाल्लाह, पाकिस्तान में गोट फार्मिंग उरूज पे है, बहुत से लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि प्योर मक्खी चीनी ब्रीड से स्टार्ट करें। इसको आप डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के लिए भी और गोश्त के लिए भी। माशाल्लाह, ये एक अच्छी ब्रीड है, खूबसूरत और कदावर ब्रीड है। इस ब्रीड को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।